नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो, चिढ़ हो रही हो अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों को देखकर खुशी नहीं मिलती है। आपका अपना कोई जब अपने घर आता है तो आप खुश नहीं होते हैं, अजीब सा आपका मुंह बनता है, अजीब सा मूड हो जाता है, बहुत भारी भारी सा महसूस करते हैं अपने ही घर में या अपने लोगों के बीच, हमेशा किसी तरह का डर लगा रहता है। तो आपके घर में निगेटिविटी सच में बहुत ज़्यादा है और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको उपाय तो करना ही होगा। अब क्या उपाय करना होगा उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, कैसे, कितना और कब। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और उनके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आ सकें। देखिए, जो आपके अपने हैं अगर उनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं तो इसके जिम्मेदार अकेले वो नहीं बल्कि उनके साथ के लोग भी होते हैं, क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर रहे होते। तो क्या आप भी अपना नाम अभी भी उन लोगों में रखना चाहते हैं जो औरों की मदद नहीं करते हैं? आपको चाहिए कि आप उनको कुछ इस तरह से मदद कर दें ताकि उनका जीवन खुशियों से भर जाए, और सेम आपके लिए भी एक आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। जो दूसरे व्यक्तियों की मदद करते हैं उनके जीवन में मदद आती रहती है जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखें, ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरे की मदद करते हैं तो आपको मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दूसरों का कष्ट दूर करते हैं तो आपको कष्ट ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको भी कष्ट मिलेगा, लेकिन वो कष्ट सहने की, उस कष्ट से पार होने की आपके अंदर ताकत होगी। और ये ताकत तभी होगी जब आप दूसरे लोगों को सहारा दिए रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से आपको भी ताकत मिलनी है, उन्हीं से आपको भी सहारा मिलना है। तो उपाय क्या करना है वो भी जानते हैं। उपाय आपको सिर्फ इतना करना है, रोज़ शाम को एक कपूर की टिकिया पर दो लौंग रख करके किसी मिट्टी के बर्तन पर जलाना है। और ये काम आपको अपने आंगन में करना चाहिए। जिनके पास आंगन नहीं है वो घर के बीच में जो भी जगह है जो कि खाली होनी चाहिए, उस जगह पर इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी कि उनके घर में ऐसी कोई जगह नहीं है तो किसी एक कमरे में कर सकते हैं। जब वहाँ जला दें, थोड़ी देर वहाँ धुआं होने दें, फिर वहाँ से लेकर के बाकी कमरों में, बाकी जगहों पर भी घूम लें अपने घर में। ऐसा करने से निगेटिविटी ख़त्म होती है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, हमारा अपना कोई घर तो वैसा है नहीं, हमने फ्लैट खरीद रखा है, हम इसी में रहते हैं। तो फ्लैट में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप पूजा जहाँ करते हैं उस जगह पर जलाइए। शाम के वक्त में जलाना है, भगवान से आशीर्वाद लेते हुए वहाँ से लेकर के बाकी सारे कमरों में घूम जाइए। सबसे पहले निकल के दक्षिण दिशा में नहीं बढ़ना है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो आपका घर जो है वो शुद्ध होने लग जाएगा। और जब आप इस काम को करें तो घर की खिड़की और दरवाज़े ज़रूर खोलें। ऐसा करने पर आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।